मत्स्य बीज केंद्र दियोली घागस में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य सतपाल मेहता की अध्यक्षता में वर्ष 2019-20 के लिए मछली व्यापार की नीति निर्धारित करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गोविंद सागर व कोल बांध जलाशय में कार्यरत 40 मत्स्य सहकारी सभाओं के प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों व सहकारिता विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा वर्ष 2019-20 के लिए मछली व्यापार की नीति निर्धारित करना है। उन्होंने बताया कि मछली व्यापार हेतु ठेकेदारों के साथ आम सहमति की बजाय खुली बोली द्वारा मछली की दरें निर्धारित करवाना व मछली का एक ग्रेड करना है, ताकि मछुआरों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिल सके। उन्होंने बताया कि सभी उपस्थित सदस्यों ने पूर्ण समर्थन किया व आगामी वर्ष हेतु मछली का व्यापार खुली बोली द्वारा करवाने बारे सहमति दी। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को यह भी अवगत करवाया कि विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में मछुआरों के कल्याण हेतु गोविंद सागर व कोल बांध जलाशय के 95 मछुआरों को आवास निर्माण हेतु 1,30,000 रुपए व 350 मछुआरों को अनुदान के रूप में गिल जाल प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में किश्तियों, तिरपाल, बरसाती व लाइफ जैकेट हेतु अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के मछुआरों को क्रमशः 60% व 40% की दर से व 40% की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इस मौके पर सहायक निदेशक मत्स्य श्याम लाल शर्मा, वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी दियोली जगत पाल शर्मा, मत्स्य अधिकारी गोविंद सागर जलाशय व कोल बांध जलाशय के अतिरिक्त मत्स्य सहकारी सभाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैं सभी का यहाँ पर आए हुए सभी का बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और हमने जो आज की मीटिंग से जो सामने आई बात, वो तो बहुत सारी बातें कर ली हमने, मुख्यतः यही हुई, हमने यही डिसाइड किया है आपकी सहमति से कि इस बार जो है हम ओपन खुली बोली द्वारा जो है मछलियों के ठेके होंगे, उसमें सर्दियों का अलग रेट और गर्मियों का अलग रेट जो है वो निर्धारित किया जाएगा। दूसरी बात ये हुई कि आप लोग अपने वहाँ पे अजलास करेंगे, आम अजलास करेंगे, वहाँ पे कार्रवाई में डालेंगे और उसमें ये लिखेंगे कि ओपन ऑप्शन कर दी जाए और ग्रेड सिस्टम जो है वो ग्रेड सिस्टम भी हम इस गोविंद सागर से बंद कर दिया जाए, जैसे कि बाकी के जो चार हमारे और जो रिजर्वायर है हमारे यहाँ कोल डैम में भी वही सिस्टम है नहीं लग गया ना, हाँ जो बाकी के जो चार रिजर्वायरों में जो सिस्टम चला है वही सिस्टम गोविंद सागर में होगा, तो उससे हम ग्रेडिंग जो है ए ग्रेड या बी ग्रेड जो है वो भी हम इस बार खत्म करेंगे। ये हमने आज जो है ब्रॉडली आम सहमति से ये किया। तीसरा हमने ये किया कि ये जो डेटा थी वो खुली बोली की जो डेटा है वो हमने डिसाइड कर ली, तो मेरा आप लोगों से ये एक अनुरोध भी रहेगा कि जैसे जैसे डिसाइड किया हुआ है कोशिश करिए आपका आम अजलास जो है उसमें मतलब 50% से अधिक जो मछुआरे हैं आपके या वो जो मेंबर्स हैं आपके वो वहाँ पे भाग लेना सुनिश्चित करें और वहाँ कार्रवाई पे बकायदा आप सारी चीज़ें करिए और ओपन ऑप्शन उसी दिन जो है ओपन ऑप्शन उसी दिन कर लीजिए आप। तो ब्रॉडली तो हमने ये चीज़ की, बाकी हमने डिस्कस किया कि किसको क्या मिला वो हमने सारी शेयर कर लिया आपको। हम पहली बार जो है वो ये किस्तियों पर सब्सिडी देने जा रहे हैं, तरपाल भी मिलेगा आपको उसमें से, आपको मेरा ख्याल है टेंट का भी है, लाइफ जैकेट का भी है और उसमें शायद मेरा ख्याल रेन लाइफ जैकेट है या रेनकोट मतलब ये 1,00,000 रुपए का यूनिट है, उसमें सामान्य वर्ग के लोगों को 40,000 का बेनिफिट मिलेगा और जो आरक्षित वर्ग है उनको 60,000 रुपए का जो है वो बेनिफिट मिलेगा। ये मुख्यतः हमने ये सारी चीजें जो है